हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। और जैसे कि आपको पता है कि कॉमर्स के क्वेश्चंस को चैलेंज करने का टाइम आ गया है। अब हमें क्वेश्चंस को चैलेंज करना है। काफी सारे आपके डाउट्स आए थे, तो आज के क्लास में जो चैलेंज क्वेश्चन है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड किया है मैंने, शिफ्ट वन शिफ्ट टू। ये शिफ्ट वन है, इसके जस्ट बाद आपको शिफ्ट टू वाला वीडियो भी मिल जाएगा। बहुत सारे आपके डाउट्स थे और कौन से क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहिए विथ प्रूफ, मैं यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि ये क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर इनकम से क्वेश्चन नंबर शिफ्ट वन, क्वेश्चन नंबर 66 और क्यूआईडी नंबर 908115। ठीक है, इसको ध्यान से देखते फाइल करते समय इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे किसके रिगार्डिंग पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछा है एग्रीकल्चर इनकम के रिगार्डिंग, है ना। क्वेश्चन किससे पूछा है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा है एग्रीकल्चर इनकम के रिगार्डिंग। अब हमको पता है कि एग्रीकल्चर इनकम में तो ट्रीज बैम्बो नहीं आता, तो ठीक है ऑप्शन नंबर वन तो हमारा गलत है। लेकिन इसका जो एनटीए ने आंसर दिया है वो ऑप्शन नंबर ए दिया है, जबकि मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं होना चाहिए, इसका नन ऑफ दिस होगा। क्यों? क्योंकि बी सी डी ई ऑल आर करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है ये भी मेरे अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि इनकम फ्रॉम लैंड यूज फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अगर आप एग्रीकल्चर पर्पज के लिए कोई लैंड का अगर यूज कर रहे हो, वहां से अगर इनकम आ रहा है, तो वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड होना चाहिए। तो बी सी डी ई शुड बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो कि ऑप्शन में आपका नहीं दिया, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, एक प्रूफ भी मैं आपको दूंगी और इस क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना चाहिए। ठीक है, ये देखो, ये सेम क्वेश्चन जो है ना, कौन सा एग्रीकल्चर इनकम है, ये क्वेश्चन आपका 2018 में दिसंबर में कॉमर्स में आया है, 22 दिसंबर को, देख लीजिएगा आप लोग जाकर। यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ पर देखो सेम लाइन यहाँ पे दिया है, इनकम फ्रॉम द लैंड यूज फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और यहाँ पर इसका आंसर एनटीए ने ऑप्शन नंबर वन दिया है। तो भाई ऐसा क्यों, पहले आप बोल रहे हो कि स्टोरिंग एग्रीकल्चर जो होता है वो एक एग्रीकल्चर इनकम होता है, बाद में बोल रहे हो कि नहीं होता, 18 में और 23 में आंसर थोड़ी चेंज कर दो क्या। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी इसमें आना चाहिए, इसीलिए ऑल करेक्ट आंसर होना चाहिए जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कीजिएगा। आपका जो एग्रीकल्चर का डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A में लिखा गया है कि कोई अगर रेंट या रेवेन्यू अगर आ रहा है आपको उस लैंड से जो कि आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो एग्रीकल्चर इनकम में माना जाएगा, बशर्ते अगर वो इंडिया में हो तो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। अब ये एक नया क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आया था जो बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा ही नहीं था, इस क्वेश्चन को लेकर डाउट कर रहे थे, लेकिन ये मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर एनटीए ने दिया वो बिल्कुल सही दिया है। चैलेंज करने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है, इसके लिए आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसका आंसर आप सही से कर सकते हैं, तो इसको क्या चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी बच्चों को डाउट है, कुछ लोगों ने मुझे इस पर भी बोला कि मैम इसका आंसर क्या होगा। तो देखो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा वैल्यू आता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कौन सा फिट है वो चूज करते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा 0.903 आएगा, और ये आपका गुड फिट में आता है, और गुड फिट एनटीए ने आंसर भी दिया है, तो इसको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो था इसी क्वेश्चन को लेकर था कि जैसे हमारा पेपर आया, एग्जाम का आंसर शीट आया, सबसे पहले बच्चों को यही क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखा कि मैम लॉन्ग रन एवरेज कर्व जो है वो क्या होगा। हम लोगों ने पढ़ा है यू यू यू, बिल्कुल आप लोगों ने सही पढ़ा है कि यू शेप होगा। मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोगों ने गलत पढ़ा। आप बोलोगे ना कि मेरा नाम प्रियंका, तो मैं थोड़ी बोल रही हूँ कि मेरा नाम प्रियंका नहीं है, सही है। लेकिन अगर आप बोलोगे मैम आपका नाम जो है ना वो सिमरन भी है, तो वो भी सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे घर का नाम में भी सिमरन हो। तो वही वाली बात है कि लॉन्ग रन एवरेज कर का दो नाम है, एक नानी घर में एक दादी घर में, जो हमेशा मैं बताती हूँ। तो इंपेरिकल मतलब एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न, तो यहाँ पर मॉडर्न आपसे पूछा था, तो इसलिए करेक्ट आंसर विल बी आपका एल शेप होगा, और ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर वन सही है, एंटी ने भी सही आंसर दिया है। चैलेंज करने की गलती मत करना, किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज करने से पहले उसको ठोक पीट के बजा के देख लेना, उसके बाद ही चैलेंज करना। ठीक है, और यहाँ पर बता दूं कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं दिसंबर वाले अटेम्प्ट के पेपर का लेवल देखकर आप लोग समझ चुके हो किस लेवल का पेपर आ रहा है, सब्सक्रिप्शन लेना कितना जरूरी है, डीप स्टडी करना कितना जरूरी है। तो पेपर वन पेपर टू दोनों का कंबाइंड कोर्स टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हो चुका है। 10-11 जुलाई से जो क्लास है लाइव क्लासेस वो स्टार्ट होने भी जा रहे हैं। तो 8315 पर आपको 6 मंथ में पेपर वन पेपर टू दोनों का कंबाइंड कोर्स मिल जाएगा, साथ में पास प्रो भी फ्री मिलेगा। मेरा कोड यहाँ पर अप्लाई कर लेना, PSINGH। ओके, थैंक यू सो मच। जस्ट इसके बाद आपको शिफ्ट टू के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें बहुत सारी गलतियां हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।